हेलो सारे अभिभावकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज ये चिल्ड्रन स्पेशल वीडियो है जो कि पेरेंट्स लोग यानी अभिभावकों के लिए बनाया है। असल में मुझे चिल्ड्रंस डे पे रिलीज़ करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी उलझन रहती है ज़िंदगी में, बहुत सारी भागदौड़ रहती तो उस समय बन नहीं पाता है। मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने बच्चों को बचपन से क्या क्या चीज़ की आदत डालें उनके खाने में, ताकि वो बड़े होते हुए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के बच्चे बन सकें और उनको जल्दी घाव ना हो, घाव हो तो जल्दी सूख जाए, कैंसर से लड़ने की ताकत जो देती है, ऐसी चीज़ें जो आपकी किचन में ऑलरेडी मौजूद है, आपके लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके खाने में विशेषतः ये ज़्यादा मात्रा में जानी चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए, बार बार वीडियो को चलाइए और इसको अपने कहीं पेन में लिख के रखिए ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर दिन खाने में उनको डाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हल्दी। हल्दी जो है आपको मालूम है करक्यूमिन उसका मेन इंग्रेडिएंट है, एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी गले की इन्फेक्शन से लेके सर्दी खांसी होने से लेके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उम्र को बढ़ाती है, कैंसर से लड़ती है। तो हल्दी आपके दाल में होनी ही चाहिए। कभी आप कढ़ी बनाते हैं तो हल्दी डालना ही चाहिए, जितना हो सकता है हल्की भाजी में भी हल्दी का उपयोग करें। सेकेंड आता है अदरक। अदरक भी आपको किसी तरह से थोड़ा कूचा जो मनाते हैं हम लोग भाजी में, टमाटर की भाजी है या कोई भी सूखी भाजी, उसका थोड़ा सा बेस अदरक का डालें। रोज अदरक दीजिए, अदरक चाय में डालने की कोशिश करिए, पहले से ही बच्चों को चाय में अदरक की आदत डाल दीजिए। थर्ड है तुलसी। इसमें कृष्ण तुलसी जो होती है, जो काली तुलसी होती है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हरी तुलसी से बहुत गुना ज़्यादा है। अगर आप तुलसी को नहीं दिला सकते बच्चों को, तो उसका ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में, सबसे अच्छी आयुर्वेदिक जो भी आपको फील होती है वो खरीद लें ड्रॉप्स, उसको चाय में डाल लें, उसको दूसरे खानों में डाल सकते हैं, तुलसी ड्रॉप्स करके आती है। दालचीनी। आजकल दालचीनी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, ज़बरदस्त इन्ग्रीडियंट होते हैं इसमें, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग भी है, स्किन के लिए भी अच्छी है, हाजमे के लिए भी अच्छी है, मूड के लिए भी अच्छी है। सो दालचीनी जो आती है लंबे लंबे टुकड़ों में, लंबे लंबे ऐसे लकड़ी जैसे दिखती है, उसका कूटा बना के रखें, कूचा बना के रखिए और वो खाने में डाल दीजिए, ऊपर से दही के ऊपर से डाल दीजिए, भुने हुए जीरे के साथ, नमक के साथ मट्ठे में डाल दीजिए, तो बहुत उसका असर अच्छा होता है बच्चों पर। लहसुन। लहसुन तो एक ऐसी चीज़ है जो सालों से बुक्स में है, आयुर्वेदा में है, ये आपको लंबा जीवन देती है, आपकी जो धमनी है, आर्टरीज है, चाहे हृदय की हो चाहे दिमाग की हो, उसको पूरा कोलेस्ट्रॉल फ्री कर देती है, चर्बी रहित कर देती है, तो लहसुन का उपयोग अच्छे से करिए। नेक्स्ट आता है शहद। शहद तो ऐसी चीज़, दुनिया में अकेली ऐसी चीज़ जिसकी कभी एक्सपायरी डेट नहीं है। अभी एक साल पहले मिस्र के जो इजिप्ट ये है अपना पिरामिड्स हैं, उसमें तूतन खाबोन के जो किंग हैं उनके साथ, जो शव के साथ 4,000 साल पुराना दही ये शहद मिला है, और वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो, खाने लायक था। तो शहद अकेली ऐसी चीज़ अगर शुद्ध मिलती है, कोई मिलावट नहीं है, तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सेकेंडली, शहद का जो कंपोजिशन है वो आपके नॉर्मल जो खून है उससे बहुत मिलता जुलता है, तो आप सोच सकते हैं उसका कितना फ़ायदा होता है। शहद हर चीज़ में आप डाल सकते हैं, हर स्वीट पे डाल सकते हैं, फ्रूट सैलेड में डाल सकते हैं, शहद को चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं शक्कर के बगैर, आप ग्रीन टी में शहद को थोड़ा सा डाल सकते हैं, गर्म पानी में शहद और थोड़ा सा नींबू का रस डालने से वज़न भी कम होता है, बेली फैट्स कम होते हैं, और शहद के तो गुण तो जग जाहिर है। नेक्स्ट आता है गुड़। गुड़ भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, गर्मी पैदा करती है, शक्कर से 36 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें खनिज होते हैं, तो गुड़ को आप चिक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं, लड्डू में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी स्वीट्स बना सकते हैं, गुड़ की चाय पी सकते हैं। दालों में गुड़ हफ्ते में 2 बार बनाइए, ठंडी का मौसम है, अच्छे से हजम भी हो जाएगी और टेस्ट भी लाजवाब रहता है। और लास्ट है मिश्री, बड़ी शक्कर जिसमें धागे होते हैं, इसका भी कमाल का असर है, जोड़ों का दर्द हो, बार बार सर्दी खांसी हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो, तो बड़ी शक्कर का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, ये भी कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है शक्कर को। फिर भी डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं सोच समझ कर ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और आप देखिए, ये किचन की नॉर्मल से पाई हुई चीज़ें आपके बच्चों को एक अलग लेवल की ताकत देगी, उनकी हाइट बढ़ाना, उनका वज़न को कंट्रोल करना, मोटापे से दूर रखना, उनके ब्रेन फंक्शंस को, हायर फंक्शंस जो है
मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन उसको तेज ही बढ़ा देगी, उसकी उनकी इम्यूनिटी बढ़ा देगी, और गंदे जो घाव आ जाते हैं गिरने से या कभी फोड़ी आ जाती है वो होने ही नहीं देगी, पिंपल्स नहीं आने देगी, स्किन एकदम ग्लोइंग चकाचक रखेगी। 40 साल के बाद भी आपके बच्चे आपको दुआ देंगे कि मम्मी के नुस्खे, नानी के नुस्खे ज़बरदस्त थे, आज दूसरों के कंपेरिजन हमारे बाल अच्छे हैं, हमारी स्किन अच्छी है, अंदर होंठों का मसूड़े झिल्लियाँ सब सुंदर हैं, हमारा जल्दी हमसे सर्दी खांसी नहीं होती है, और वो पास ऑन करेंगे अपने बच्चों को। तो ये चीज़ें, ये चैनल्स, ये वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गेमिंग और किसी का मजाक बढ़ाने वाला वीडियो से हमारा सिर्फ IQ कम हो रहा है। तो ऐसे जो भी चैनल हैं उसको सपोर्ट करिए, उसको शेयर करिए, और आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ स्पेशल जानना है हम जैसे एक्सपर्ट से, तो हमें बताइए, हम आपके लिए बैठे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन सोच समझ के अपनी चॉइसेस को डालिए, खाने में अपनी चीज़ों को डालिए। मैं नेक्स्ट टाइम वेजिटेबल्स की बात लाऊंगा, तो उसको देखते रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।